टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खेल के मन से बोले जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना को मुमरा कलवार डायघर से क्या दुश्मनी है, आने वाले चुनाव में दिखा देंगे। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएम वैली के पास स्टेडियम में 3 दिन का नामदार प्रीमियर लीग 2022 चषक का क्रिकेट का आयोजन किया गया था। इस खेल में नामी ग्रामी क्रिकेटर आए थे। लास्ट के तीसरे दिन महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी पहुंचे, जहां जितेंद्र आव्हाड का शमीम खान उनके सभी सहयोगियों के साथ उनका स्वागत किया। इस बीच मंत्री जितेंद्र आव्हाड मन से बोले शिवसेना को मुमरा कलवा डायघर से क्या दुश्मनी है। महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है। पूरे मुमरा शहर के वासियों को बता देता हूँ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जानबूझ के मुमरा की सीटें कम कर दी और इसके पीछे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो राज करते हैं उनका बड़ा हाथ था। जो मुमरा में 23 कॉरपोरेटर थे वो 23 को 18 करने का काम महानगर पालिके में बैठे हुए सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने कमिश्नर को हाथ में लेके करवाया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हाथ हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे समझता नहीं है कि शिवसेना को मुमरा से क्या दुश्मनी है, कलवा से क्या दुश्मनी है, डाइगर से क्या दुश्मनी है। हमारे जो हक की 52 सीटें हैं वो 52 सीटें हमको मिलनी चाहिए, इतना ही हमारा दावा है। बाकी आप कहीं नहीं फैला लो उसके। बहुत सही। आपको दीवा को ज्यादा देना है दे दो, लेकिन तुम्हारे शहर में तुम हमसे ज्यादा हक लेके जाओगे जो तुम्हारा हक नहीं है तो हम उसके ऊपर झगड़ा ले लेंगे। ने मुझे समझता ही नहीं कि शिवसेना के दिल में कलवा और मुमरा के लिए, दीवार आइगर के लिए, शील के लिए इतनी नफरत क्यों है। जो 23 सीट को 18 सीट करने में सत्ता पक्ष के लोगों का बड़ा हाथ था, कमिश्नर को हाथ में लेके करवाया था। और इसी मंच से शमीम खान का बेटा समीर शमीम खान की चर्चा की, आने वाले इलेक्शन में नौजवान को मौका देंगे। समीर की हाथ उठाकर बताया अगला उम्मीदवार समीर हो सकते हैं, यानी समीर को कहा जाए घोषणा कर चुके हैं। इस तरह की जिस तरह से हाथ उठाया है वो कहीं ना कहीं वही साबित हो रहा है। और इस तस्वीर में देखें और मुमरा कौसा किस तरह बदल गई है उसकी भी जिक्र किया है। वैसे नौजवानों के हाथों में डोर देनी है, वैसे नौजवानों के हाथों में डोर देनी है। समीर है ये, अगला चुनाव शायद ये भी लड़ जाएगा, अगला चुनाव शायद ये भी लड़ जाएगा। आप सब नौजवानों का वक्त आना चाहिए। अब जितने बूढ़े हो गए, चार चार पांच पांच टर्म हो गई, उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट दे देना चाहिए कि भाई मेरे जगह पे इसको खड़ा करो। नौजवानों के हाथ में जब ये शहर जाएगा तो ये शहर और बदल जाएगा। अब कोई नहीं मानता कि ये शहर बदला नहीं है, दुश्मन भी नहीं मानते क्योंकि जनता अंपायर है। जनता अंपायर है, जनता को खेल मालूम है 5 साल कौन खेलता है तो जनता बराबर। कल मैंने सुबह इधर से कुवैत से कोई इधर मैच बेटिंग कर रहा था, अरे बाहर मत बोलो कि बेटिंग के नाम पे तुमको अंदर मिलेंगे। लेकिन ये समझ लो कि 2009 के बाद ना तो मुमरा में पुलिस आया, बॉम्बे क्राइम आई, ना CID आई। एक वक्त था इस मुमरा में जब किसी भी गली में मुंबई क्राइम घुस जाती थी, किसी भी गली में ATS घुस जाता था और 4 बार बच्चों को लेके चला जाता था। खेलते रहो, खिलाते रहो, स्टेडियम तो खूबसूरत ही है। शमीम भाई स्टेडियम को क्या बना दिया, इंशाल्लाह ये तो मोंटेरा स्टेडियम लग रहा है दिल्ली का। तीसरे दिन फाइनल मैच जीतने वाले विजेता फर्स्ट प्राइज गुड्डू खालू की टीम ने ली है 3 लाख और एक बाइक।
और दूसरी जो सेकेंड टीम आई है वो 1.5 लाख रुपए उनको इनाम मिले हैं, जो नाइस वर्ल्ड को मिला है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।